वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बेहतरीन नॉनवेज लंच थाली, जिसमें मैंने परोसा है मिक्स्ड वेजिटेबल्स सब्जी, मास्टर सीड से बनाई हुई हिलशा फिश, टमाटर की चटनी, गुलाब जामुन और गरम राइस के साथ मैंने परोसा है। तो चलिए रेसिपीज स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे मास्टर सीड से हिलशा फिश, जिसके लिए मैंने ले लिया है हिलशा फिश और मास्टर सीड्स। इसमें वाइट और ब्लैक दोनों कलर के ही मास्टर सीड्स एक साथ पेस्ट किया गया है, 2 बड़ी चम्मच। हिलशा फिश के ऊपर मैंने दिया नमक और हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा मैरिनेट करके रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद गैस ऑन करके हम चढ़ा देंगे एक कढ़ाई और दे देंगे रिक्वायर्ड ऑयल। इस जगह पे हम मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिश पीसेस को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए फ्लिप करते हुए हर एक साइड फ्राई कर लेना है। हिलशा फिश कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ही कुक हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर हम फ्राई कर लेंगे तो फिश एकदम टफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इस जगह पे आप चाहो तो कच्चा हिलशा फिश भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्राई हो जाने के बाद ऊपर से हम दे देंगे सरसों का पेस्ट, थोड़ा सा पानी दे देंगे, जितना भी ग्रेवी आप चाहते हो। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। मसाले में हम दे देंगे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, आप अपने स्वाद अनुसार स्पाइस ऐड कर दीजिएगा। दे देंगे नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। थोड़ा सा 1-2 मिनट कुक हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची के कुछ पीसेस और ढक के कुक कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। स्पून या फिर फोक की मदद से हम देख लेंगे हिलशा फिश अच्छी तरीके से कुक हो गया है कि नहीं। जब हम मास्टर सीड्स पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तब गैस का फ्लेम एकदम लो फ्लेम में होना चाहिए। एकदम एंड में हम ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और ये रेसिपी बनके हो गया है एकदम तैयार। पूरा कुकिंग होने में आपको वक्त लग जाएगा 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट के अंदर ही फिश एकदम अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। चलती हूँ हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है मिक्स्ड वेजिटेबल्स। ये भी हम बनाएंगे सरसों के पेस्ट में। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली एक रेसिपी है। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हमने ले लिया है। जो भी वेजिटेबल्स आपके घर में अवेलेबल है आप ले लीजिएगा। करेला का भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ ले लेंगे 2 से 3 बड़ी चम्मच सरसों का पेस्ट। अगेन वाइट और ब्लैक दोनों सरसों का पेस्ट ही हमने ले लिया है। अभी एक बोल ले लेंगे। बोल में हम एक मसाले की बैटर पहले बना लेंगे, मिक्सचर पहले बना लेंगे, जिसमें पहले ही हम दे रहे हैं सरसों का पेस्ट। ऐड करेंगे नमक आपके स्वाद अनुसार, मिर्ची पाउडर वो भी आपके स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच और थोड़ा सा पानी, एक साथ मिला लेंगे अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा शक्कर, शक्कर आप स्किप कर सकते हो। अभी गैस ऑन करके हम चढ़ा देंगे एक पैन। पहले ही हम इसमें दे देंगे ऑयल। जब भी हम सरसों का पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे कोई भी रेसिपी में, हम उस रेसिपी में सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करेंगे। इधर मैंने रिक्वायर्ड सरसों का तेल दे दिया। अब जो वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखे थे उस वेजिटेबल्स को मैं 1 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था, बस 1 मिनट के लिए, ताकि जल्दी से रेसिपीज बन जाए। अब चाहो तो बिना बॉयल किए एकदम डायरेक्टली फ्राई कर सकते हो। अब थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम 1-2 मिनट के लिए।
अच्छी तरीके से थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे जो भी मसाले की मिक्सचर हम बना के रखे थे वो मिक्सचर। जब हम सरसों का ये मिक्सचर ऐड करेंगे उसी टाइम पे गैस की जो हीट है वो हम लो हीट पे कर देंगे, नहीं तो रेसिपी थोड़ा सा बिटर टेस्ट दे देगा, इसीलिए लो हीट पे हम बाकी की कुकिंग करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सरसों का पेस्ट देने के बाद हम ढक के 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। उसके बाद हम ऊपर से सरसों का थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और देख लेंगे अच्छी तरीके से हर एक वेजिटेबल्स कुक हुआ है कि नहीं। ग्रेवी आपके अकॉर्डिंग योर चॉइस ऑफ ग्रेवी रख लीजिएगा। बस ये रेसिपी भी बनके हो गया है तैयार। और गुलाब जामुन और टमाटर की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मैं मेरी चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ बने रहिए।